हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रैंडम न्यूज़ पे। आज का वीडियो है कि हम यूट्यूब पे भी कैसे अपलोड करेंगे कि अपना वीडियो चैनल पे, यानी कि। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें अपना ब्राउज़र खोलना है। ब्राउज़र खोलने के बाद हम यूट्यूब पे सर्च करेंगे या फिर youtube.com को खोलेंगे। youtube.com को जब हम सर्च करेंगे तो वो एक यूट्यूब पेज खुलेगा। उस यूट्यूब पेज खोलने के बाद हमें अपने चैनल पे लॉगिन करना है, यानी कि साइन इन करना। तो जब हमारा पेज खुल जाए यूट्यूब, तो हम उस पर साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए आपको जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है, तो आप जानते हैं कि कैसे करना है। तो हम अपना जीमेल अकाउंट से उसमें साइन इन करके नेक्स्ट क्लिक करेंगे। जब हम साइन इन हो जाएगा तो आप देखेंगे कि एक पेज खुलेगा जिसके जिसमें आपका चैनल का लोगो बना हुआ है ऊपर में, अपर राइट में, और उसी के बगल में एक नोटिफिकेशन बेल है। उसके बगल में देखेंगे आपका एक एरो है जो ऊपर की ओर पॉइंट कर रहा है। हम उस पर क्लिक करेंगे वीडियो अपलोड करने के लिए। वहाँ क्लिक करना है ऊपर की तरफ एरो को। एरो को क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा। इस पेज को खोलने देंगे हम, थोड़ा सा वक्त लग सकता है इस पर आपका पेज खुलने में। तो हम जैसे ही आपका पेज इसमें खुल जाए तो आप चुनिए जहाँ आपका वीडियो सेव करके रखा हुआ अपने सिस्टम पे, यानी या फिर अपने मोबाइल पे, उस वहाँ पे जाके उसको वहाँ जाके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे देखेंगे तो आपका वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि बहुत सारे फील्ड, ब्लैंक फील्ड्स बने हुए हैं। ऊपर वाला जो है आपको जहाँ सैंपल लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो आपका डिस्क्रिप्शन इन्फो है, यानी कि टाइटल बार है। वहाँ पे आपका वीडियो का टाइटल लिखा है। नीचे में वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा है कि आपका वीडियो किस विषय में है, यानी क्या है आपके वीडियो में जिसके बारे में देखना है, यानी। तो जैसे ही अपलोड आपका होने लगता है, जैसे कि मेरा वीडियो का अपलोड का साइज़ बहुत कम है इसीलिए आपका ये वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाता है तो जल्दी से। और अपलोड जैसे ही आपका होना शुरू हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि आपको ये प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है। यूट्यूब में प्रोसेसिंग इसलिए करता है ताकि ये भी आपके वीडियो के अलग अलग फॉर्मेट बनाता है, जैसे कि 144, 240, 480, 720, 180, 180, 1080 पिक्सल्स के फॉर्मेट बनाता है। और ये चेक करता है कि आपका जो वीडियो बनाया है आपने वो लीगल है, यानी इसमें कोई कॉपीराइट मटेरियल है कि नहीं है। वो सब इसमें आपके वीडियो को जब 95% पे जाके वो वीडियो अटकता है अपलोडिंग में, तो वो चेक हो जाता है सारा इसमें क्या है कि नहीं है आपके वीडियो में, क्या क्या है कंटेंट। इसके बाद जैसे ही आपका प्रोसेसिंग हो जाता है तो आप एक थंबनेल सेट करके इसे पब्लिश कर सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ डिटेल्स में डालने हैं तो आप डाल सकते हैं। जैसे ही आप पब्लिश में क्लिक करेंगे तो ये आपका अपलोड हो जाएगा वीडियो। और वीडियो अपलोड होने के बाद आपका ये वीडियो लीजिए, आपका वीडियो अपलोड हो चुका है। और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।